खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और प्रगति मीडिया को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। यह खबर राजस्थान के राजसंबंध की है। राजसंबंध के जिलोला गांव में 12 जुलाई 2019 को एक जातिवाद पैदा हो गया। यह जातिवाद क्या था? इस जातिवाद में दो पक्षों के बीच में एक मामले को लेकर आक्रोश पैदा हो गया। मामला ऐसा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर व उनके विवादों को लेकर दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया और गांव के कुछ लोगों ने रेगर व मेघवाल समाज को भी उन्होंने आतंकवादी बोल के कहा कि ये आप लोग आतंकवादी होते हैं और ऐसे शब्द बोल के एक जातिवाद का आक्रोश पैदा हो गया है। राजसंबंध के जिलोला गांव में यह एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। वहाँ के गाँव वालों के बीच में काफ़ी इस जातिवाद को लेकर काफ़ी आक्रोश है। आप हमारे राजसंबंध के रिपोर्टर द्वारा आगे की जानकारी आप आगे की वीडियो में आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति मीडिया रिपोर्टर धनराज रेगर दिनांक 12/7/2019 को गांव जिलोला तहसील अमेठ जिला राजसंबंध राजस्थान के कुछ लोगों द्वारा गांव में स्थापित भीमराव अंबेडकर विचार मंच कार्यालय को अवैध बताया गया और गांव के ही समंदर सिंह राठौर घृणापूर्वक मेघवाल और रेगर समाज को घृणापूर्वक जलील किया गया। उनको आतंकवादी शब्द बोलकर उनको जलील किया गया। इसके साथ हरि सिंह, देवेंद्र सिंह, भीमा सुथार, नारायण सुथार, अर्जुन उपाध्याय, ईश्वर सिंह उपाध्याय, प्रेम सिंह, देवी सिंह और इनके संगठन द्वारा रेगर और मेघवाल समाज को गाली गलौज किया गया और गांव के मेघवाल और रेगर समाज के नागरिकों ने कार्रवाई की मांग की है। इनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के प्रशासन आतंकवादी आज है रेगर मेघवाल है। मेरी बात सुनो, आप दिल से बोल रहा हूँ, आज का गांव का जीवन होता ना, ये तो क्या आतंकवादी रेगर मेघवाल है? आप बोलो, क्या बोला?